अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सर अली एजाज बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो कि जिसमें हम एक रिस्पॉन्सिव नेव बार को डिज़ाइन करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS। तो एक पहले फर्स्ट लुक देख लेते हैं कैसा हमारा HTML का नेव बार लगेगा। तो ये है हमारा नेव बार, जो कि रिसाइज करने पे इस तरह से एक ये बटन विजिबल हो जाता है और इस तरह से आप इसको क्लिक करके स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे नेव बार के नाम से। इसके अंदर जाएंगे और अपना VS कोड ओपन करेंगे। बॉडी के टैग में हम डिफ का टैग लिखेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसकी क्लास हम रखवाएंगे टॉप नेव और आईडी होगी इसकी माय टॉप नेव। इसके बाद ए का टैग लेंगे हम, इसकी क्लास हम रखवाएंगे एक्टिव और बाहर हम लिख देंगे होम। एक और एक टैग लेंगे, ये हम बना रहे हैं फॉर न्यूज़। एक और एक टैग लेंगे जो कि हम बना रहे हैं फॉर कॉन्टैक्ट। और इसके बाद हम एक और एक टैग लेंगे जो कि हम बना रहे हैं फॉर अबाउट। इसके बाद हम एक और लेंगे एक टैग जो कि हमारा एंकर टेक्स्ट होगा टू टॉगल द नेविगेशन बार। तो इसके अंदर हम HRF में लिखवाएंगे जावास्क्रिप्ट void 0, ये हम लिखवाते हैं ताकि पेज हमारा रिफ्रेश ना हो जब इस पर क्लिक हो। तो क्लास हम इसके रखवाते हैं आइकन और ऑन क्लिक पे आप रखवाएंगे माय फंक्शन। इसी के अंदर हम आई का टैग रखवाएंगे एक, आई के टैग में हम क्लास रखवाएंगे फा बार्स। डिफ का टैग जिसमें हम स्टाइल रखवाएंगे पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। H2 रखवाएंगे हम रिस्पॉन्सिव टॉप नेव एग्जाम्पल। इसके बाद हम P का टैग यूज़ करेंगे, इसमें हम लिखेंगे रीसाइज द ब्राउज़र विंडो। To see how it works। इसके बाद मैं दो फाइल जनरेट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होगी styles.css के नाम से और एक होगी app.js के नाम से। इसको मैं लिंक किस तरह से करूँगा कि यहाँ मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट src.back/app.js और लिंक करूँगा मैं .back/styles.css को।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं styles.css के अंदर आऊँगा और अपने कुछ बेसिक स्टाइल्स इसके अंदर एंटर करूँगा। तो बेसिक स्टाइल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास बॉडी आ जाती है जिसके ऊपर मैं मार्जिन दूंगा 0 pixels और फॉन्ट फैमिली रखवाऊँगा एरियल। इसके बाद जो मेरा टॉप नेव है उसमें मैं ओवरफ्लो हिडन रखवाऊँगा, बैकग्राउंड कलर #333 डॉट टॉप नेव ए फ्लोट लेफ्ट डिस्प्ले ब्लॉक कलर F2 हैश लगा के टेक्स्ट अलाइन मैं दूंगा सेंटर, पैडिंग मैं इसको दूंगा 14 पिक्सल्स फॉर टॉप बॉटम और 16 पिक्सल्स फॉर लेफ्ट राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन इसको मैं असाइन करवाऊंगा नन और फॉन्ट साइज इसको मैं दूंगा 17 पिक्सल। इसके बाद टॉप नेफ ए होवर बैकग्राउंड कलर रखवा दूंगा मैं जो कि #DDD कलर है ब्लैक। टॉप नेफ ए डॉट एक्टिव बैकग्राउंड कलर #04AA #6D कलर हम दे देंगे इसको वाइट। डॉट टॉप नेफ डॉट आइकॉन डिस्प्ले नन एड मीडिया मैक्स वेट मैं इसको दे दूंगा 600 pixels डॉट टॉप नेफ ए डॉट टॉप नेफ ए इसको हम देंगे नॉट फर्स्ट चाइल्ड। ये पहले चाइल्ड को इसके हम करवा रहे हैं डिस्प्ले नन। इसके बाद मैं इसके अंदर बोलूँगा कि टॉप नेफ ए डॉट आइकन को फ्लोट करना है राइट और डिस्प्ले ब्लॉक करना है।
इसके बाद हम ऐड मीडिया लिखेंगे, स्क्रीन एंड मैक्स विड 600 पिक्सल, टॉप नेफ, रिस्पॉन्सिव, पोजीशन, रिलेटिव, डॉट टॉप नेव, डॉट रिस्पॉन्सिव, डॉट आइकॉन, पोजीशन, ऑब्सोलीट, राइट 0 और टॉप से हम इसको दे देंगे 0 डॉट टॉप नेफ डॉट रिस्पॉन्सिव ए फ्लोट नन डिस्प्ले ब्लॉक टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। यहाँ पे मेरा CSS इसका कंप्लीट हो चुका है, हमें इसको एक लुक दे देता तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है जो कि है हमारी वेबसाइट का। इसके बाद हम आगे चलेंगे और इसमें जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। app.js में जाएंगे हम, और यहाँ जाके हम लिखेंगे फंक्शन, माय फंक्शन var x equals to document dot get element by id my top nav इसके अंदर ही हमें बताने के if x dot class name is equals to टॉप नेव तो एक्स डॉट क्लास नेम में प्लस इक्वल्स टू मतलब उसमें ये जोड़ दो कि वो रिस्पॉन्सिव भी हो जाए। एक की कंडीशन यहाँ ख़त्म हुई, इसके बाद हम देंगे एल्स एक्स डॉट क्लास नेम इज इक्वल्स टू टॉप नेव। यहाँ पे हमारी HTML, CSS और JavaScript की कोडिंग ख़त्म हुई। अब चलिए हम इसको लोड कर लेते हैं कि किस तरह से हमारी वेबसाइट दिखती है। तो ये हमारी कुछ वेबसाइट इस तरह से दिखती है। इसको हम जब रिलोड कर लेंगे, रिसाइज करेंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगी। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार जरूर दें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।